धर्मशाला कांगड़ा में सरकार की गाइडलाइंस के बाद शैक्षणिक संस्थान तो खुल गए हैं, मगर अभिभावकों, छात्रों और कई स्कूलों में इसके संचालन को लेकर अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति है। हालांकि सरकार ने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP में साफ साफ लिखा है कि सभी स्कूलों में कक्षाएं शुरू नहीं होंगी और स्कूल में महज 50% स्टाफ ही आया करेगा, उनके जरिए ही स्कूल संचालित किए जाएंगे। साथ ही जो छात्र स्कूल में आकर अपनी समस्या का हल जानना चाहते हैं, वह स्कूल में तभी आ पाएंगे जब उनके अभिभावक स्कूल द्वारा दिए जाने वाले दिशा निर्देशों के परफॉर्मा पत्र को भरकर स्कूल में जमा करवाएंगे। यानी छात्रों को रियल क्लासरूम में आकर अध्यापकों के साथ आमने सामने बैठकर पढ़ने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। दरअसल कोरोना के कारण छात्रों को स्कूल में बुलाना सरकार और प्रशासन के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए क्योंकि कई बार बच्चों की इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जिसकी आज के दौर में यानी कोरोना काल में चाहिए होती है। ऐसे में छात्रों को बुला भी लिया जाए और वो कोरोना से ग्रसित हो जाए तो शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने के चलते लेने के देने पड़ सकते हैं। नतीजन आज पहले दिन कोई भी छात्र स्कूल नहीं पहुंचा। बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन स्कूलों को संचालित करने के लिए सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक खुद को परिपक्व करने में जुट गया है। देखिए, जो 19 तारीख से विभाग द्वारा जो इसके लिए लेटर जारी किया गया है, उसके अनुसार जो बच्चे हैं वो आज से गाइडेंस के लिए जो वो स्कूल में आ सकते हैं। अगर किसी भी विषय से संबंधित उनकी कोई क्वेरी है, अगर कोई समस्या है, तो वो स्कूल में आकर के जो है वो अपने टीचर के साथ जो इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। उसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किए हैं। हमारे जो छात्रों के व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हैं, स्ट्रीम वाइज भी बने हैं, क्लास वाइज भी बने हैं और सब्जेक्ट वाइज भी बने हैं। उसके माध्यम से हमने बच्चों को पूरी जानकारी दी है कि आपने किस तरह से स्कूल आना है, किन SOPs को, जो सेफ्टी के प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करना है, और किस तरह से टीचर्स को भी हमने जैसे इसके बारे में जो है वो सेंसिटाइज किया है। मॉर्निंग में सबसे पहले यहाँ आकर के मैंने एक मीटिंग की है स्टाफ के साथ कि आपने क्या डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, जिससे अध्यापक भी सेफ रहे और जो बच्चा है वो भी सेफ रहे। तो इसके लिए हमने बच्चों को पूरी तरह से जो है वो जागरूक किया है कि वो किस तरह से आएंगे। पर आज की वस्तु स्थिति ये है कि पहला दिन है, तो आज तो कोई भी बच्चा जो है वो स्कूल में इस गाइडेंस के लिए नहीं आया है। आगे भविष्य में देखते हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तो शायद बच्चे आना शुरू करेंगे। देखिए, जो SOPs मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई, वो बड़ी एलेबोरेट है। 90 पेज का डॉक्यूमेंट है एक, ये उसमें बड़े डिटेल्ड तरीके से बताया गया है। और वो SOPs ऐसी हैं कि अगर गाइडेंस के लिए माना जाए, चाहे उनको रियल क्लासरूम लगाने के लिए माना जाए, वो सभी के लिए एक तरह से यही फॉलो होने वाले हैं। पर अभी तक विभाग से हमें जो है ये 30 सितंबर तक के जो हैं वो आदेश हैं कि इस तरह को आपने फॉलो करना है। उसके बाद जिस तरह से सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट के माध्यम से हमें कोई इसके बारे में निर्देश आते हैं तो हम उसको भी फॉलो करेंगे।